भारतीय सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर आई है। सिने जगत की एक जानी मानी हस्ती, सीनियर एक्टर और फिल्मों में अपनी शानदार अदायगी से दर्शकों का मन मोह लेने वाले सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 67 साल की उम्र में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और आखिरकार वे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। सतीश कौशिक फिल्म जगत का वो दमकता सितारा थे, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया था कि कला की दुनिया में रूप रंग से पहले हुनर बोलता है। सतीश कौशिक के आम से खास बनने की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव धनौदा में जन्मे सतीश को बचपन से ही मशहूर होने का बड़ा शौक था। फिल्मों में आने से पहले जब वे पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी चाहत थी कि उनकी फोटो और नाम बस किसी तरह से अखबार में छप जाए। वे कुछ बड़ा करने का सपना देखा करते थे। एक्टिंग में रुचि भी थी। स्कूल के दिनों में फंक्शन आदि में वे स्टेज पर एक्टिंग भी किया करते थे। तब वे कहां जानते थे कि मुकद्दर उन्हें उन्हीं राहों की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग के गुर भी सीखे। सतीश कौशिक एक्टिंग तो करना चाहते थे, लेकिन अपने रूप रंग को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते थे। अपने पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया है, लेकिन साथ ही जुनून इस बात का भी था कि बस किसी तरह से फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका मिल जाए। लिहाजा वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं ऑडिशन से पहले डायरेक्टर ने उनकी फोटो देख ली तो उन्हें रोल वैसे भी नहीं मिल पाएगा। फिर एक दिन हुआ कुछ यूं कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक फिल्म बनाने की तैयारी में थे। फिल्म का नाम था मंडी, जिसके लिए कास्टिंग चल रही थी। सतीश कौशिक भी पहुंच गए, लेकिन वहां कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑडिशन से पहले उनकी फोटो मांग ली। सतीश कौशिक में इस बात का डर पहले से ही था। फोटो वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन ऑडिशन जरूर देना चाहते थे। इत्तेफाकन सतीश कौशिक अस्पताल से अपनी किडनी स्टोन की एक्सरे लेकर सीधे ऑडिशन वाली जगह पहुंचे थे। वहां उनसे फोटो मांगी गई तो इन जनाब ने लिफाफे में बंद अपनी एक्सरे शीट ही दे डाली। इस बात का पता श्याम बेनेगल को लगा तो सतीश से ऐसा करने का कारण पूछा। ऐसे में सतीश कौशिक ने बात को संभालते हुए कहा, सर मेरे पास चेहरे की फोटो तो नहीं है, लेकिन मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ। इस पर श्याम बेनेगल ठहाका लगाकर हंस दिए। उन्हें सतीश कौशिक का ये ह्यूमरस अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म में सतीश को कास्ट कर लिया। इस तरह से सतीश कौशिक का फिल्मों में डेब्यू हुआ। सतीश कौशिक ने साल 1983 में बनी फिल्म मासूम से अपने करियर में उड़ान भरी। इस फिल्म में वे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म को जहां उन्होंने डायरेक्ट किया, तो साथ ही इसमें अपनी लाजवाब एक्टिंग से लोगों के दिलों पर भी छा गए। फिल्म साजन चले ससुराल और राम लखन के लिए उन्हें 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्मों में एक्टिंग की सेंचुरी बना चुके सतीश कौशिक सधे हुए डायरेक्टर भी साबित हुए थे। उनके करीबी बताते हैं कि वे एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी में थे, जिसमें वे अपने जीवन और अपने टैलेंट का पूरा निचोड़ डालते, लेकिन अपने इस ख्वाब को वे बीच में ही अधूरा छोड़ गए। उनके अचानक चले जाने से बॉलीवुड का एक रोशन चिराग बुझ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।